हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बैचलर्स किचन। मैं आरता, मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ चिकन रोगन मसाला। पहले एक कढ़ाई में तकरीबन 150 ग्राम ऑयल गरम कर ले, उसमें 400 ग्राम कटे हुए प्याज डालते। प्याज को हमको ब्राउन होने तक पकाना है, फ्राई करना है। जब प्याज ब्राउन होने लगे तो सेम टाइम हम मसाले रेडी कर लेते हैं। चिकन रोगन मसाले के लिए चाहिए हमको सौंफ, कटे हुए प्याज, दही तकरीबन 150 ग्राम, छोटी इलायची 4, बड़ी इलायची 1, लौंग 7 से 8 और सिनेमन या दालचीनी और कसूरी मेथी। पहले मैंने 1 किलो चिकन लिया हुआ है, उसमें मसाले ऐड करेंगे। पहले दही ऐड करते हैं, उसके बाद हमारे सब मसाले, ग्रीन इलायची, बड़ी इलायची, सिनेमन, सौंफ, कटे हुए प्याज, कच्चा, कसूरी मेथी, सब ऐड कर देंगे उसमें। उसके बाद कैरमलाइज या ब्राउन हुआ प्याज ऑयल के साथ ही ऐड कर देंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे चिली पाउडर तकरीबन 1 टेबलस्पून। सॉल्ट स्वादानुसार, गरम मसाला, मैंने यहाँ पे चिकन मसाला ऐड किया हुआ है तकरीबन 1 टेबलस्पून, हल्दी 1/2 टेबलस्पून, 2 सूखी मिर्च, 2 जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी आप ऐड कर देंगे अभी, जीरा तकरीबन 1/2 टेबलस्पून, अभी उसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। चिकन को हमको बहुत ही धीमी आंच पे पकाना है, तो मैंने एक सिस्टम बनाया है। जैसे दोनों बर्नर का जो कवर है उसको मैंने एक के ऊपर एक रखा हुआ है और उसको मैंने धीमी आंच पे तकरीबन 40 मिनट पे पकाना है हमको। तो आपका चिकन रोगन मसाला खाने के लिए तैयार है। Thank you.